इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। दरअसल विधायक नारायण त्रिपाठी ने विगत दिनों देव तालाब मंदिर में निर्धारित किए गए ड्रेस कोड को लेकर पत्र लिखा है। श्री त्रिपाठी ने मांग की है कि विंध्य के रीवा जिले के देव तालाब में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ ग्रामीण जनों की मान्यताओं का मंदिर है, जहाँ पर लोग पूरी आस्था और पवित्रता के साथ पूजा पाठ करने चले आ रहे हैं। विगत दिनों उस मंदिर में प्रवेश, दर्शन और पूजा पाठ के लिए ड्रेस कोड को अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए धोती कुर्ता की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। जबकि भगवान भोलेनाथ तो अत्यंत दयालु और सामान्य पूजा से प्रसन्न होने वाले देवता है। यह प्राचीन मंदिर ग्रामीण अंचल के लोगों की मान्यताओं का केंद्र रहा है। ग्रामीण जन अपनी समस्या आस्था के साथ गीले बदन, तौलिया, साफी लपेटकर भगवान को जल चढ़ाने, पूजा पाठ करने आते रहे हैं। महिलाएं भी अपनी सुविधा के अनुसार वस्त्र धारण कर अपने आराध्य शिव की पूजा पाठ करने जाती हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर जनता गरीब निवास करती है, वहीं ड्रेस कोड की अनिवार्यता लागू करने से लोगों के बीच खासा आक्रोश भी पनप रहा है। लोग इस तालिबानी आदेश से नाखुश हैं। नारायण त्रिपाठी ने पत्र में लिखा है कि मैंने देव तालाब दौरे के दौरान रतनगढ़ और बैरकपुर के ग्रामीणों के बीच मंदिर के ड्रेस कोड को लेकर काफी आक्रोश देखा है। नारायण त्रिपाठी ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए कलेक्टर रीवा को इस आदेश को तत्काल समाप्त करने के निर्देश देने की बात लिखी है, जिससे आस्थावान लोग पूर्व की भांति मंदिर में दर्शन व पूजा पाठ कर सके। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की उपस्थिति में समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया था, जिस निर्णय के विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने पत्र लिखा है।